मन मार के तो नहीं गए ऐसा, इतना भी कुछ एडिक्टेड नहीं हूँ मैं, लेकिन एक बोलते हैं ना जो पसंद है वो पसंद है। वैसे क्या ये सब हेल्दी खा रहा हूँ तो इसमें भी थोड़ा हेल्दीपन ला देते हैं। ठीक है वेलकम बैक सवाल में, सुबह से उठे सुबह के 11:15 और लॉक से अभी स्टार्ट करो। मैं क्या थोड़ा लेट वही जिम से आया गया, फिर आज क्या थोड़ा जल्दी जिम से आया गया था, रात को सोने में बिल्कुल इतना लेट हो गया, करीब 2 बजे था, और फिर मैंने सोचा कि 2 बजे सो के गए, 6:30 बजे उठ के 4 घंटे की नींद होगी, फिर जिम जाके आऊँगा तो फिर 8:30-9 बजेंगे, फिर नैप लेने का कोई सीन नहीं है, तो मैंने सोचा कि जिम थोड़ा जल्दी जाके और आके फिर अपन वापस सो लेंगे। वही गए मैं, फिर मैं जिम से आके सो गया था, मैं अभी थोड़ी देर पहले उठा, और वही जैसे ही मैं गई मैं जिम से आया, मम्मी ने गेट खोला तो देखा मम्मी को बुखार हो गया, मम्मी बीमार पड़ गई, तो मेरी मम्मी भी रेस्ट कर रही है और मेरे को भी थोड़ी मेरे को भी थोड़ा सर्दी ऐसा है, तो मैं अभी अभी रेस्ट ही कर रहा था, तो कोई नहीं चलो तो चलते हैं बाहर गए ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट तो सब बासी है तो ब्रेकफास्ट करते हैं और आपको मिलकर हो जाएगा। तो इस वजह दोपहर के 12:15 अपनी जो एडिटिंग सब कंप्लीट है गाइस, अपलोड सब कर दिया गया, सब कंप्लीट है अपना, और आज थोड़ा सोचा कि इसमें मम्मी को हेल्प कर देते, क्या मम्मी तो रेस्ट कर रही है तो मम्मी उठेगी तब तक ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो इसको दोनों इन दोनों को मैं समेट देता हूँ, और हाँ के साथ लंच है गए बाहर से मंगवाएंगे, कल तो मम्मी बोले मैं बना दूँगी आज रेस्ट करो, आज अपन बाहर से मंगवाते हैं तो फिर मम्मी बोलते नहीं बस अब तुम लोग सब्ज़ी मंगा लो, रोटी तो मैं ही बनाऊँगी, मैंने बोला रेस्ट करो आज, अब सब कुछ बाहर से मंगवाते हैं, तो भाई ऑर्डर कर रहा है तो इसको पहले ठीक करता हूँ और फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो गाइस दोनों फोल्ड करके रख दिए मस्त एकदम, बोलते हैं ना सफाई के साथ दोनों एकदम प्रॉपर। तो हाँ गाइस अभी सबसे पहले बात करके आ जाता हूँ, बात कर लेते हैं और फिर भैया ने लंच ऑर्डर कर दिया, तो फिर लंच आएगा, लंच करते हैं और फिर आपको मिलता है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस तो दोपहर के 2:45 तो मैं आके रेडी हो चुका हूँ गाइस, और अपना लंच है गाइस आ चुका है, तो बस अभी करते हैं गाइस और मम्मी अंदर रेस्ट करी, मम्मी भी थोड़ी देर में लंच कर लेगी, लंच करते क्या तो लंच करके प्लान है मेरा बाहर जाने का, क्या काम है गाइस मैं आपको सब बताता हूँ, तो पहले लंच करता हूँ और फिर मैं आपको मिलता हूँ। सोए से बज रहे हैं दोपहर के 2:15 तो वही लंच करके एकदम मैं तो रेडी हूँ गाइस, और हाँ मैंने आपको बताया था कि क्या प्लान है मेरा, तो वही मेरा प्लान ये है गाइस कुछ सामान मेरे को डिलीवर करना ऑफिस, कुछ काम है मेरे को 5-10 मिनट का काम है गाइस, तो वो सामान ऑफिस में देखे और फिर वहाँ से मैंने प्लान किया है कि जूस पीने जाएंगे अपन, ये सब क्या सीन है गाइस मैं सब आपको बताता हूँ होटल में क्या सीन है पूरा, जूस पी रहा हूँ शिल्के वाले में, तो बस फटाफट निकलते हैं और हाँ आज के टीएम लेके जाते हैं गाइस। क्या 2-3 दिन से क्या करीब हफ्ते 10 दिन हो गए, हफ्ते 10 दिन से KTM तो चला ही नहीं, सुजुकी का सुजुकी चला रहा हूँ मैं, तो KTM लेके चलते हैं और फिर आपको मिलते हैं। शुक्र निकल चुके हैं बहुत दिनों बाद KTM लेके, हाँ गाइस सबसे पहले जाना है मेरे को ऑफिस, एक काम है गाइस, काम मतलब 2-3 मेडिका है, कुछ सामान लेना है और देना है, तो वही वो सब सामान गाइस लेन देन करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद गाइस मैं आपको मिलता हूँ, ये सब क्लियर करके सब काम कंप्लीट करके फिर मैं आपको मिलता हूँ गाइस। तब तक के लिए गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को सपोर्ट कीजिए, और ऐसे ऐसे व्लॉग्स मैं बनाता रहूँगा, और जो भी नहीं है गाइस उनको बता दूँ मेरा नाम है शिवम राज पुरोहित, डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ 483-484 डेज से, तो सपोर्ट कीजिए, वही सब काम कंप्लीट करता हूँ और फिर मैं आपको मिलता हूँ गाइस। सो गाइस अपना ऑफिस का जो काम है कंप्लीट हो चुका है गाइस, अभी बज रहे हैं 2:45, तो हाँ गाइस मैं आपको बोला था कि आज शेक के बदले गाइस मैं आज जूस पीऊँगा, वैसे क्या ये सब हेल्दी खा रहा हूँ तो इसमें भी थोड़ा हेल्दीपन ला देते हैं, शेक के बदले जूस पीते हैं, शेक से गाइस ज़्यादा हेल्दी जूस होता है मैं आपको बोलता हूँ, ये मुझे पता था लेकिन टेस्ट के लिए गाइस करते हैं अपन कोई नहीं, लेकिन आज गाइस जूस पियेंगे, आज पहली बार होगा गाइस मैं वो मिल्क शेक वाला गाइस मैं तो उसका नाम ही रख दिया मिल्क शेक वाला, ऐसे जूस सेंटर है गाइस और उसके पास जाऊँगा और पहली बार ये मिल्क शेक नहीं पीऊँगा जूस पीऊँगा, देखते हैं कौन सा जूस पीते गाइस, वहाँ जाके मैं आपको सब बताता हूँ डिटेल में, चलते हैं, मौसम एक नंबर है गाइस अच्छी में, अभी ये मौसम रहे ना मज़ा आ जाए, ये या इससे ठंड इससे ज़्यादा ठंड होगी वो भी चलेगा, बस गर्मी नहीं होनी चाहिए, वो पसीना है नॉल से बोलते हैं ना छुटकारा, जैन एंड फैब एंड तक गाइस, फैब एंड तक फुल छुटकारा,
फिर मार्च स्टार्टिंग से गाइस वापस गर्मी पड़ना चालू हो जाती है। गाइस अपना जूस पीना है वो कंप्लीट है गाइस, और मैंने गाइस एप्पल जूस पिया था आज, बोलते ना बहुत एकदम मन मार के तो नहीं गाइस, ऐसा इतना भी कुछ एडिक्टेड नहीं हूँ मैं, लेकिन एक बोलते ना जो पसंद है वो पसंद है गाइस, मिल्कशेक मुझे ज़्यादा पसंद है, कोई नहीं यार अब से थोड़ा थोड़ा अपन जूस भी पियेंगे, जल्दी भी पियेंगे। तो आज मैंने एप्पल जूस पिया गाइस, मैंगो मिल्कशेक नहीं पिया। तो चलते ही फटाफट घर गाइस, कितने बज रहे हैं 3 बजे तक, तो काम भी हो गया, तो बस चलते हैं फटाफट और आपको मिलते हैं। मस्त हवा गाइस, ये जो धूप है ना गाइस, ये धूप इतनी सही है, अभी 3:30 बज रहे गाइस दिन के, ये गाइस समर्स होते हैं तो मतलब हालत ख़राब इस टाइम पे, फुल गर्मी है नॉल, अब ये जो वेदर है मस्त गाइस, हावड़ा इस पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये धूप गाइस इतनी लग भी नहीं रही है, ये धूप अच्छी लग रही है गाइस के, हाँ धूप और लगे ऐसा फील हो रहा है। वही कहते अपन एकदम कितने देर में आ गए, 2 बजे 2:15 के आसपास निकले थे, तो अभी 3:30 हो रहे गए, 3:30 बजे यहाँ, तो 10-15 मिनट में तो प्रॉपर घर। नीचे मेरे को एक काम भी है तो कुछ सामान लेना है, इसीलिए 10-15 मिनट बोला, वरना तो रास्ता 2 मिनट गए। बाइक के लिए तो और भी जल्दी, वही गाइस तो चलते हैं फटाफट घर और आपको मिलता है घर पहुंच के। गाइस जूस पी के मैं घर आ गया था और फिर बैठा था, और बोलते हैं ना फिर घर पे गेस्ट आए थे उनके पास भी बैठा, और फिर शाम को कहीं 5:30-6 बजे के आसपास एक मैंने बुक लाई थी गाइस, तो वही पढ़ने बैठा था, थोड़ी पढ़ी है गाइस मैंने ये, और अभी बज रहे 7:15 वक्त सीधा भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो बस चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या प्रोग्राम है अभी। वैसे जूस पी के तो आ चुके, अभी कहीं बाहर का प्लान क्या पता, फ्रेंड्स के ऊपर है गाइस, कब कोई भी बुला ले चलो, कोई फिक्स नहीं है गाइस, कोई हम लोग का प्लान फिक्स नहीं रहता, प्लान एक दिन पहले या जिस दिन जाते हैं उसी दिन बनता है एकदम इंस्टेंट, खाली किसी का बर्थडे होता है तो एक वीक 10 दिन पहले प्लान होता है, वो भी एक से ज़्यादा बोल दिया जिस दिन जाना था उसके एक दिन पहले, मतलब एक दिन मैक्सिमम, एक दिन से उससे अर्ली प्लानिंग नहीं होगी गाइस। तो बस बाहर चलते आज के डे को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आज के दिन में और क्या नया होता है। सुबह 6 बजे रात के 9:45 बोलते हैं, तो टाइम में गए इस ब्लॉग को एंड करने का, आज के इतना गए कहीं बाहर गया नहीं, खाली दिन में गए काम से बाहर गया था, और फिर शाम से पूरे दिन घर पे था, और अभी शाम को फ्रेंड को फ़ोन किया, अभी रात को हमने डिनर करके कि कोई मीटअप कोई मिलेंगे, तब तक तो कोई सीन नहीं है, तो शायद ही प्लान रहेगा गाइस। तो ऐसे कुछ अच्छा ब्लॉग शॉर्ट एंड स्वीट, अब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट, थैंक्स वॉचिंग।